अब इसका दूसरा भाग शुरू होता है स्टोरी का। इसमें क्या होता है, माया जो है वो अपने बेडरूम की डेस्क पे आकर बैठ जाती है और वहां उसके सामने एक व्हाइट शीट का पेपर रखा हुआ था। अब जो है वो लिखना शुरू करती है, तो वो बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखती है कि एक जो अपराधी है उसको पकड़ना है। पकड़ने वाले एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन कौन है, निषाद और माया पंडित, और इनको जो है ऑफिशियली चुना गया है इस काम के लिए। अब वो लिखना शुरू करती है। आधा घंटे के बाद वो सेवन की तरफ मुड़ती है, जो कि पेट के बल आराम से, जैसे होता है ना कोहनिया उसने उस पे बेड पे रखी हुई थी और मजे से कॉमिक पढ़ रहा था। वो बोलती है, माया कि तुम सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है। अब उसने जो है माया की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जैसे मानो उसके कई सवाल चल रहे हैं दिमाग में। तब भी माया कहती है कि मैंने जो है जो भी अभी तक हमें प्रूफ्स मिले हैं, फैक्ट्स मिले हैं मिस्टर नाथ के बारे में, उससे जो है मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है जिससे हमें उन्हें पकड़ने में मदद मिलेगी, तो क्या तुम सुनना चाहोगे। तो सेवन ने जो है हामी में सिर हिला दिया। अब माया पहला बताती है कि पहला फैक्ट क्या है कि उनका नाम जो है मिस्टर नाथ है। अब हमें ये पता करना होगा कि उनका पहला नाम क्या है। तभी निषाद बोल पड़ता है कि माया तुम्हें लगता है ये उनका असली नाम है। तो मैंने कहा नहीं, हो सकता है इनका असली नाम नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर जो अपराधी लोग होते हैं वो अपना एक अलग ही नाम रख लेते हैं। तो मैंने जो है जो मिस्टर नाथ थे उनके नाम के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन लगा दिया। दूसरा फैक्ट क्या है, मैंने जब पढ़ना शुरू किया, पहला फैक्ट तो मैंने बता दिया कि उसका नाम जो है वो शुरू का नाम क्या, ये नहीं पता। दूसरा फैक्ट क्या है कि जो किराएदार रहते हैं शंकर के घर में वो बताते हैं कि ये आदमी पागल है, बड़ा अजीब सा है, बिल्कुल भी दोस्ती वाला नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं करता, उसके ना कोई दोस्त है। तीसरा फैक्ट क्या है कि वो किसी से बात ही नहीं करता। दूसरा बड़ा असभ्य है, मतलब उसमें कोई मैनर्स नहीं है, उसको तमीज नहीं है। बीच में ही जो है निषाद बोल पड़ा, पर वो हमसे तो बात करता है माया, और मम्मा कहती है वो तो बड़े पोलाइट तरीके से बड़े प्यार से बात करते हैं। तो मैंने कहा हमसे तो वो प्यार से बात करेगा ही, क्योंकि उसको करनी पड़ेगी, जो मम्मा है वो उसका इलाज कर रही है, इसलिए मजबूरी है उसकी कि उसको प्यार से बात करनी पड़ेगी। फिर वो चौथा फैक्ट बताती है कि उसके पास कोई कभी लेटर ही नहीं आता। सेवन जो है इस बात पे हामी भर देता है। फिर पांचवा तथ्य वो सामने रखती है कि वो शंकर के घर में 10 नंबर के कमरे में रह रहा है और वहां रहते रहते उसे 1 साल हो गया। छठा फैक्ट है कि वो कोई काम नहीं करता, पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। सातवां फैक्ट कि जो बच्चे हैं शंकर के घर में, यहाँ तक कि जो बड़े लोग हैं वो भी उससे डरते हैं। आठवां फैक्ट हो गया कि कोई भी बाहर का आदमी उससे मिलने नहीं आता सिवाय उस आदमी के जो चश्मा लगाता है, गोरा सा है, मोटा सा है, और वो हमेशा उसके पास आता है संडे को लंच के लिए। नाइन्थ फैक्ट क्या बताया कि खाना और जो चाय है वो रमेश उनके कमरे में ले जाता है हमेशा नीचे रेस्टोरेंट से खरीद के, और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जो आदमी है अंदर कि वो क्या खा रहा है, वो हमेशा जब भी खाना आता है फौरन पैसे दे देता है, अच्छी टिप दे देता है। तो यहाँ मेरी लिस्ट खत्म होती है। अब ये बताओ मैं कुछ भूल तो नहीं गई, ऐसा कहकर मैंने सेवन से पूछा। निशा जो है मैं जो बता रही थी उसे बड़े ध्यान से नहीं सुन रहा था, मैंने जो भी बातें बताई बस वो सुन रहा था पर ध्यान नहीं दे रहा था। बस उसने आखिर में क्या बोला कि बेचारा आदमी माया कितना अकेला महसूस करता होगा अगर उसके कोई दोस्त नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ गई, मैं चिल्ला के कहा कि एक अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो निषाद ने कहा अरे दोस्त नहीं हो सकते, पर कोई एक दोस्त तो हो, शायद हो सकता है वही दोस्त है जिससे वो हर संडे को मिलते हैं। अब माया के दिमाग में फिर एक वो आ जाती है बात। माया कहती है हाँ ये जो आदमी आता है ये पक्का मिस्टर नाथ का साथी होगा जो उसको अपराध में साथ देता होगा, और हो सकता है सारा जितना भी लूट का माल होता होगा वो अपने पास रखता होगा, तभी वो यहाँ पे अक्सर आता जाता रहता है ताकि जो उसके साथी हैं यानी मिस्टर नाथ है उनको उनका हिस्सा दे सके, और इसी से मिस्टर नाथ का खर्चा चलता होगा। हाँ ये बात बिल्कुल सच है, पक्का यही बात होगी, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। अब निषाद को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। निषाद कहता है कि अब तुम बार बार अगर जो है जबरदस्ती जोर दोगी कि वो एक अपराधी है अपराधी है तो फिर मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं डिस्कस करनी है। वो कहता है कि अगर वो इतने ही बुरे आदमी होते तो क्या वो रमेश को जो है इतनी अच्छी टिप देते।
तो मैंने कहा हो सकता है रमेश जो है पक्का उनके इतिहास के बारे में कुछ जानता हो, उनके बारे में कोई ऐसी बात जानता हो जिसकी वजह से वो उसको टिप दे दे कि उसका मुंह बंद रखते हो। निषाद को तो जैसे पूरी तरह से पक गया था, वो जो है उसको ये लग रहा था कि माया जो है उसको जबरदस्ती मिस्टर नाथ को क्रिमिनल बनाने पर तुली हुई है। तो निषाद जो है जैसे हम लोग खड़े हो जाते हैं अपने हाथ मोड़ के चेस्ट के पास और बिल्कुल टाइटली खड़े हो जाते हैं, अब वो पूरी तरह से पक चुका था। तो मैंने कहा अगर हम इस तरह का अपना एटीट्यूड रखेंगे तो हम आगे अपनी ये जो खोज कर रहे हैं मिस्टर नाथ के बारे में इसमें सफलता कैसे हासिल करेंगे। तो सेवन ने कहा मैं जो हूँ तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम इस बात को छोड़ दोगी कि वो जो है एक भागे हुए अपराधी हैं। इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैंने तुम जैसे निषाद को मार ही दिया था तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो बेवकूफ कहीं के, मेरे को तुम पागल बना रहे हो। मैं जोर से चिल्ला के बोली क्या फायदा है अगर हम इस तरह की इंक्वायरी कर रहे हैं, अगर तुम्हारी नजर में वो अपराधी नहीं है, तुम उसे अपराधी नहीं मानते तो हम इस तरह से इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, और अगर तुम कहते हो कि वो कोई नहीं है तो क्या जरूरत है कि हम उसको इस तरह से परेशान करें, बताओ क्या जरूरत है। अब निषाद थोड़ा सा विचारशील सा हो रहा था, उसने कहा मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं पता करूं कि वो इतने दुबले पतले क्यों हैं, क्यों वो इतने अकेले हैं, मैं ये जानने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि उनके दोस्त क्यों नहीं है, इस तरह से अकेले क्यों रहते हैं। तो मैंने कहा समझने की कोशिश करो सेवन, वो अगर शंकर के घर में पिछले एक साल से रह रहे हैं, एक भी दोस्त नहीं बनाया तो जरूर कोई गड़बड़ है। हो सकता है उन्हें डर लगता हो कि अगर उनको किसी ने पहचान लिया तो शायद पुलिस के हवाले कर दे। तो निषाद ने मेरा विरोध करते हुए कहा हो सकता है कोई उनसे दोस्ती करना ही नहीं चाह रहा हो, या कभी किसी ने कोशिश ही नहीं करी उनको अपना दोस्त बनाने की। तो मैंने कहा किसी को क्या पड़ी है, तुमने देखा है कभी वो जो शैतान से भालू दिखने वाले हैं, देखा है कभी उन्हें। तो निषाद ने कहा एक जगह कठोर आवाज में कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो आदमी पसंद है और मैं जो हूं जाकर उनसे दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। एक अपराधी के दोस्त बनने की कोशिश करोगे, तुम पागल हो गए हो सेवन, जो पुलिस है ना वो तुम्हें भी पकड़कर जेल में डाल देगी उसके साथ, तुम चाहते हो अगर ऐसा हो बेवकूफ कहीं के। अब निषाद जो है मेरी तरफ घूर के देखता है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। ऐसा लग रहा था मैंने जो उसके सामने इतने सारे तथ्य रखे, मेरी ये जो इतनी सोच थी उस पर जो है कोई भी उस चीज का असर या प्रभाव नहीं पड़ पा रहा था। उसकी नजर में वो आदमी जो है अभी भी एक क्रिमिनल नहीं था और वो चाह भी नहीं रहा था कि मैं उसे क्रिमिनल प्रूफ करूं। तो ये थी हमारी स्टोरी, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।